हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। राम रूप को देख के चकाचौंध भय ने परिचय। वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलसी की पौत्र, महात्मा विश्रवा की पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में चटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा,
मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भारिया के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भागी ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ। तुम मेरे योग्य हो, मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती है? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहां याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अपनी कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं।
बेचारी अबला। बला कहो भैया। फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? स्त्री थी, दुराचारिणी, दुष्टा थी। महर्षि विश्वामित्र ने भी ताड़ का वध का आदेश देते समय यही कहा था, ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं, हमने तो केवल उसकी नाक काटी है। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। चूर्णखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी, हमें सचेत रहना चाहिए। हाँ भैया। मंगल भवन अमंगल हारी। दुहाई है, राजा घर की दुहाई है। तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है। ये क्या, ऐसा घोर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया है? इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी है देवी आसुर, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। उस अभागे का नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो मुनि वेशधारे एक सुंदर स्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आए हैं, जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का उनसे बदला लो, मेरे इस गांव को उन दोनों के रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दो मानव कुमारों का ये साहस, धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की धृष्टता। महाभट भूषण, दंड कारणे का गुप्त समाचार रखने वाले और वीर अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर का डर नहीं? राजन, हो ना हो, ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दरदर भटकते फिर रहे हैं। दंड कारण के भीतरी भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि दो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं। सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के बाहर हो रहा था, इसलिए हमने आर्य ऋषियों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा। सुना है बड़े अद्भुत वीर है दोनों, कुछ वर्ष पहले विराट राक्षस का जो वध हुआ था वो उन्होंने ही किया था। महाबली विराट को मार डाला, बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए उनकी उद्दंडता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए। अर्थात हमें चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारा भी भय नहीं? नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा खर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भैया। परंतु तुम वहाँ करने क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी, तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों भेड़ियों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन, हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। महाराज, केवल दो मनुष्यों को मारने के लिए आप स्वयं जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी एक चूंटी मारने जा रहा है। मैं आज ही अपने 14 राक्षसों को भेजकर उन्हें मारकर आपके दरबार में उपस्थित करता हूँ। अच्छी बात है कालभट्ट, अपने उन 14 सैनिकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिनका बिखेर दें। उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में लाकर शूर्पनखा बहन के चरणों में डाल दें और उनकी सुंदर स्त्री को हमारे सामने उपस्थित करें। शूर्पनखा, तुम जाकर इन सबको पता बताओ। जाओ जाओ। महाराज,
प्लान ठीक निकला। वो आ गए। जनस्थान के राजा श्रीमान खर ने तुम्हें दंड देने के लिए हमें भेजा है और ये आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। जी, तुम यदि उनकी शरण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दे। अति उत्तम। चौदह राक्षस बाण एक मारन हारा एक देख राम को खलन के गए बल बुद्धि विवे। क्या कहा? एक ही बाण से हमारे 14 योद्धाओं को मार डाला। हाँ भाई, उसने एक ही बाण ऐसा चलाया कि एक ही क्षण में 14 के 14 मस्तक धड़ से अलग हो गए। लगता है उसने भी थोड़ी बहुत मायावी विद्या सीख ली है। हमें स्वयं चलना पड़ेगा। दूषण, अपने चुने हुए सैनिकों को तैयार करो, हम स्वयं चलेंगे। लगता है खरदूषण अब स्वयं सेना लेकर आए हैं। मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोकता हूं, तुम यहीं ठहरो। भैया, मैं भी साथ आता हूं। नहीं लक्ष्मण, हम दोनों यदि चले जाएंगे तो वो क्रूर राक्षसी सीता को अकेली पाकर आक्रमण कर देगी। तुम यहीं सजग रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा। मेरी चिंता मत करो। मुझे आपकी चिंता नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा था उनसे मैं अकेला ही निपट सकता हूं। अवश्य निपट सकते हो, परंतु इस समय तुम यहीं ठहरो। दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा।
हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पेट दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। सो प्राण बचाना चाहो तो अभी समय है। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो? मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो कि इसे जाकर घेर ले। जो आज्ञा। राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं, इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है, इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। जो आज्ञा। राम के मानस आए अगस्त ने, मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खर दूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। शत्रु परस्पर कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे योद्धा पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। भी कोई मायावी है, इसने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया है। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूं। ये ले। अच्छा, तो बच इससे। धूर्त, दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है, कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है? तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है? ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव। Thank you.
तुम धन्य हो राम, महाबली खर और दूषण को इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तुम्हारी सदा जय हो। अभिनंदन।
शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। जटाट वी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गणेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम मड्ड 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 मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि मिलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज अल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजंभणा मधुव्रतम् मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हुआ शूर्पणखा ये कैसी गति बना रखी है हरी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला, इस बात को हम विश्वास नहीं करते। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? शूर्पणखा कहती है, क्या यह सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्र अवश्य आया होगा, बताओ कौन कौन देवता उनकी सहायता करने आए थे? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए बहुत दिन हो गए हैं। वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति भूल गए,
क्या इंद्र भूल गए कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताजी, इन सभी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूं, उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत, उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे तो फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी के अनर्गल बातें न सुनाओ। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है, इसके पीछे क्या भेद है? वही तो मैं कह रही हूँ, उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी यह दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकली बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धड़क रहा है। उन्होंने आपकी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना है तो आज ही उस स्त्री को छीन कर उनसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं, तभी मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है, हमारे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है, हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं, उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। इसी कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के ही हाथों परम वीर खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें माया की विद्या भी पूरी तरह आती है। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होकर जिस जिस ओर भी जाते हैं वहां वहां वो श्री राम को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। उनके मोहिनी अस्त्रों की माया से हमारे राक्षस सैनिक एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए। वो इतने वीर हैं तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जनस्थान पर आक्रमण करके उसका विनाश क्यों किया? महामना, उन्होंने आक्रमण नहीं किया, आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं, और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बात पर भी ध्यान दें, पिछले कई वर्षों से इन दोनों राजकुमारों ने दंडकारण्य में ऋषियों और मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया था। इनका आश्चर्य पाकर
ऋषि और मुनि वनों में निर्भय होकर विचरने लग गए हैं। उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बहुत से बलवान राक्षसों को भी मार डाला है, जो अपने आहार की खोज में तपोवन में जाकर ऋषियों मुनियों का भक्षण करके जीते थे। इस दोष के लिए वो अवश्य ही दंड के भागी हैं। हर दूषण ने उन पे आक्रमण करके उचित ही किया था। ये केवल आवेश की बात है युवराज इंद्रजीत, बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी सीमा के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, जिनके शौर्य का बखान हम पहले से सुनते आ रहे थे, उनके बलाबल की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का सारा नाश कर दिया। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? विभीषण भाई, तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और फिर तर्क करो। ऐसे किसी की बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे, ऐसी संस्कृति किसी वीर जाति की कदाचित नहीं हो सकती। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती, अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है, वह तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज, मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। दो मानवीय राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं, तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी, और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें। राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है, उसके छिन जाने पर उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु ये नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाक से मणि छिन जाने पर नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया, उसका गर्भ भंग होगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी वेदवेत्ता हैं, परम तेजोमय तपस्वी हैं, पांडित्य की पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में अपनी उज्ज्वल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है वो धर्म जनित तपस्या से पाई है, अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण, शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। परंतु बस, इस समय हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे।